अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं आयशा यूट्यूब कॉर्नर। आज हम एक बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी बनाने जा रहे हैं, आटा डोसा। इसके लिए जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो है आटा, व्हीट फ्लोर, काली मिर्च चाहिए, प्याज, हरी मिर्च, क्यूमिन पाउडर, धनिया पाउडर, नमक चाहिए, आधा कप दही और पानी हसबे ज़रूरत। सबसे पहले हम प्याज को और मिर्चों को चॉप कर लेंगे, बहुत बारीक बारीक काटना है। प्याज हमने, आप देख लें, हमने चॉप हो गए हैं प्याज, अब हम इसकी मिर्चों को चॉप करेंगे। अब हम मिर्चें चॉप करने लगे हैं। मिर्चें ज़्यादा नहीं डालने का, चाहिए दो से तीन। ये मिर्चें भी चॉप हो गई हैं, अब एक कप मेरे पास आटा है व्हीट फ्लोर, इसे एक बाउल में डाल दें। आधा कप दही है, फ्रेश कर्ड है ये। मेरे पास 2 टेबलस्पून ऑयल है, पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा कप हमारे पास कप दही लिया था और 2 टेबलस्पून हमारे पास ऑयल था, उसको हमने 1 कप आटे में डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके पानी डालते जाएंगे। आपने से एक पतला सा बैटर बना लेना है, इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज्यादा हम इसको आटे की तरह नहीं भूनेंगे। इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। पानी आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे ताकि हमारा बैटर जो है वो ज्यादा थिन ना हो जाए। आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है, हम इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा एक बहुत ही स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया। अभी भी इसमें कुछ लम्स हैं, इसमें इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर तकरीबन आधा कप जो है वो पानी गया है, उसके बाद इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है। बस अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो थोड़े बहुत लम्स इसके अंदर है ये भी ख़त्म हो जाए। देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ सा बैटर बन गया। अब ये मैं 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर नमक डालने लगी हूँ। आधा टेबल स्पून जो है ये धनिया पाउडर है। इसमें काली मिर्च डालेंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी, ना बहुत ज्यादा थिक है ना बहुत ज्यादा थिन है। पैन को ऑयल से ग्रीस करने लगे।
अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें बैटर डाल देंगे। ये हमने ऊपर प्याज स्प्रिंकल कर दिया। हरी मिर्ची हम डाल देंगे इसके ऊपर। इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करके पका लेंगे। देख सकते हैं हमारा आटा डोसा बिल्कुल तैयार। आप चाहें तो इसमें एक बार धनिया भी स्प्रिंकल कर सकते हैं मिर्चों की तरह। सकते हैं आटा डोसा बिल्कुल तैयार है। आप इसको लंच में बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में, डिनर में। बहुत ही इजी रेसिपी है और इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो सब हर टाइम हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।